अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हमारे साथ है राजा सुमरो और असद भाई। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं असद भाई? भाई आज हम जा रहे हैं एक पिटबुल की फीमेल पिक करने बागे कोरंगी से। और असद भाई ये क्या है, ये क्या लोग? अच्छा, ये मजल है और ये जो है जो डॉग डेंजर होते हैं उनके फेस पे ये लगाया जाता है जिससे डॉग अटैक नहीं कर पाता, काट नहीं पाता। तो जो ओनर है उसका, उसने मुझे कहा था कि मज़ल लाजमी लेकर आइएगा, जो फीमेल है वो थोड़ी सी डेंजर है, गार्ड लोग है, उन्होंने अपने जो इनके गार्डिंग के लिए तैयार की हुई थी। तो ये मज़ल मैंने इसीलिए उठाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम फाइनली इस फीमेल के पास पहुंच गए हैं। ये पिटबुल की फीमेल है और ये फीमेल शाह साहब की है, तो शाह साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का करम है। तो हम पहुंच चुके हैं आपके पास इस मज़ल के साथ। तो आप, अच्छा शाह साहब ने मुझे बताया था, तो काफ़ी एग्रेसिव है और डेंजर है, मुझे लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी पिटबुल है, केयर करनी होगी। तो ये मज़ल आप लें, आप इसको बनाइएगा। और थोड़ा सा थोड़ी शटअप कॉल देती है ना, ये शटअप कॉल इंसान को देती है कि ज़रा नए बंदे को, ठीक है, बोलती ज़रा पास नहीं आना। बाकी तो इंशाल्लाह इतनी एग्रेसिव नहीं है आपके साथ, इंशाल्लाह आप इसको अपने साथ बिल्कुल दो चार दिन में फ्री कर लेंगे। अच्छा, तो ये कब से है आपके पास? ये मेरे पास मेरे ख्याल से 2 साल हो गए। और साथ में जो ये पपी है ये इसी का ही है? इसी की डॉटर है। अच्छा, और ये अभी 4 मंथ की हो गई है और मेल था वो मैंने सेल कर दिया। ठीक है, और इसको मेरे पास भेजने की कोई ख़ास वजह क्यों इसको अपने आप जो है घर से निकाल कर मेरे पास भेज रहे हैं? बस थोड़ा ये मेरी जगह भी थोड़ी कम हो गई है, पहले जगह अच्छी थी। अच्छा, तो अभी ज़रा तंगी हो रही है। और दूसरा ये कि बस अब आप रखें अपने पास, इंशाल्लाह आपके पास मेरे पास एक ही बात है। ठीक है जी, शाह साहब ने मुझे एज अ गिफ्ट दी है, मैं कोई पैसों वैसों की परचेज नहीं करने आया, तो ये मैं लेकर जाऊंगा। मज़ीद ये आपसे शेयर करता रहूंगा इसके बारे में, जो ब्रीड हुई, जिस तरह हुई, आपको भी बताऊंगा, शाह साहब को भी बताऊंगा। तो शाह साहब, इनको मज़ल पहनाएं आप मुझे, क्योंकि आपने बोला है फ्रेंड्स ये पिटबुल है, तो इसीलिए इन्होंने बोला है, तो मुझे भी इससे थोड़ा सा एहतियात करना है, सिर्फ सफ़र के लिए, वहाँ जाकर तो मैं संभाल ही लूँगा। तो चलें इसको मज़ल वगैरह पहनाते हो। अच्छा, मुझे दिखने में इतनी डेंजर नहीं लगी जितनी मुझे ये बताई गई थी, एहतियातन मज़ल इसको पहना रहे हैं। वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि मेरे साथ चली जाएगी, तो देखते हैं कि अब ये हम पर हमला करती है या नहीं, रास्ते में इसके तेवर देखते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह बैठी हुई थी, जैसे नॉर्मल डॉग्स होते हैं। फ्रेंड्स, तो इसने मज़ल पहनने से तो बिल्कुल इनकार कर दिया फीमेल ने, तो बगैर मज़ल के हमने लेकर अब गाड़ी में डाली है, लेकर जाते हैं बगैर मज़ल के, बांध के शाह साहब ने दिए, वहाँ उतारनी मुझे, मैंने उतारनी है, कोई हल नहीं है क्योंकि मज़ल वो पहन नहीं रही है। शाह साहब आप क्या कहेंगे? बस आप इजीली लेके जाएं आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, बस तो ख्याल रखिएगा,
क्योंकि मैंने आपको दिल से दी और मुझे पता है आपके पास ये मुझसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल, मैं मेरा तोहफा आपके लिए बिल्कुल इस कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से रखूँ और तरीके से सोता हूँ अपनी भी प्रैक्टिस करूँ। बस आराम से इसकी दिल पकड़ लीजिए, आराम से ये आपके साथ वॉक करेगी। ठीक है, इसको आपने थोड़ी सी वॉक करानी है, कुछ समझ जाएगी। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ये समझदार है। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो शाह साहब से इजाज़त लेंगे और रखेंगे अपने सफ़र रवाना दवा। चलिए जी फ्रेंड्स, तो फाइनली ये फीमेल लाकर मैंने यहाँ पर बांध दी है और मेरे तमाम केजेस फुल हैं, तो दो से तीन दिन में जब कोई केज खाली होगा तो वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा। इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से ये आ जाएगी, लेकिन ये आ गई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।